मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बीसी द्वारा 110 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी संयुक्त संघ के तत्वावधान में कर्मचारियों को वापस काम पर रखने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बीसी द्वारा 110 संविदा सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था। कर्मचारियों को हटाए जाने से नाराज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कर्मचारियों ने कांट रोड स्थित एमडीए कार्यालय पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वहीं मांगे पूरी न होने पर आज सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट पर विकास प्राधिकरण की वीसी द्वारा हटाए गए दैनिक 110 संविदा कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखे जाने की मांग को लेकर कर्मचारी संयुक्त संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। वही जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष संदीप पडोला ने बताया कि मैं संदीप पडोला अध्यक्ष राज कर्मचारी संघ सर किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 110 कर्मचारियों को जो पिछले अनेकों वर्षों से प्राधिकरण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं 40-40, 50-50 वर्ष की जिनकी उम्र है तो वहां के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उन 110 लोगों को नौकरी से निकालने का आदेश कर दिया है। तमाम शासनादेश हैं, सरकार की मंशा है इस प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की, सरकार की मंशा है जो डेली वेजिस वर्चार में काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण करने की, और उसके उलट उपाध्यक्ष द्वारा 110 कर्मचारी को जो बाहर करने का रास्ता उन्होंने अपनाया है निश्चित रूप से सरकार की जो महत्वाकांक्षाएं सरकार की योजनाएं उस पर रोक लगाने का काम किया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारी पिछले 4 दिन से आंदोलनरत हैं, आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी उनको समर्थन दिया और तमाम कर्मचारी संगठन उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से हमने जिलाधिकारी महोदय को और आयुक्त महोदय को आज ज्ञापन दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जल्दी 110 कर्मचारियों की सेवाओं को बहाल नहीं किया गया तो इस मुरादाबाद के समस्त राज कर्मचारी, निगम कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सारे राज कर्मचारी और शिक्षक वगैरह मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन की भूमिका इसमें कराएंगे, लेकिन 110 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से अधिकारियों को बता दिया गया है। माननीय आयुक्त महोदय ने, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उनका रुख निश्चित रूप से बहुत सराहनीय रहा, सकारात्मक रूप रहा और उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस पर कोई कार्यवाही अवश्य करेंगे। मेरा भी माननीय आयुक्त महोदय से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये अनुरोध है कि 110 घरों के चूल्हे बंद नहीं होने चाहिए, उनके साथ उनके परिवार के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, उनके पास 50 वर्ष की उम्र में कोई जीविका चलाने का दूसरा साधन नहीं होगा। तो मैं माननीय आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने अपील की है और उन्होंने सकारात्मक निर्णय करने का वादा भी किया है। सर जैसे कि आपने बताया 4 दिन से प्रदर्शन चल रहा था, धरना चल रहा था, क्या इस दरमियान किसी अधिकारी ने आपसे नहीं, किसी अधिकारी ने अब तक इस पर जो है कोई संज्ञान नहीं लिया है। यह आश्चर्य का विषय है कि एक विभाग के सारे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हो और उस विभाग का मुखिया उन कर्मचारियों को दर्द को दूर करने की बात तो रही, उनसे बात तक नहीं कर रहा। निश्चित रूप से तमाम राज कर्मचारी एमडीए के कर्मचारियों के आंदोलन पर अपनी नजर जमाए हैं और बहुत बड़ा निर्णय 2-1 दिन में सारे राज कर्मचारी मिलकर लेंगे।